हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, अभी हेयर स्टाइल को इग्नोर करना क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं है मेरे पास। अभी अभी मैं नहा के फ्रेश हुई हूँ और अभी मुझे बनाना है ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पर अद्विक भी रेडी हो गया है, अद्विक को भी नहला दिया है। और अद्विक आ जाओ, ये खुद टी शर्ट पहन रहा है। मैंने उसको बोला कि टी शर्ट पहना देती हूँ, बट नहीं, मुझे पहनना आता है, मुझे पहनना आता है, तो ऐसे करके टी शर्ट पहन रहा है। तो चले, अभी मैं जाती हूँ, ब्रेकफास्ट बनाती हूँ और उसके बाद हेयर स्टाइल वगैरह करूँगी, जो करना है वो। तो चलिए, आ गई हूँ किचन में और आज बनने वाला है ब्रेकफास्ट में पापड़ा। तो ये बोल रहे पापड़ा बना दो, तो मैंने सोचा चलो मैं पापड़ा बना देती हूँ इनके लिए, क्योंकि इनको, आप लोगों को पता ही है कितना ज़्यादा पसंद है पापड़ा। तो इसीलिए उनको बोला मैंने कि मेरा पोहा खाने का मन कर रहा है। बोल रहे थे कि आप अपने लिए पोहा बना लो, बट दो दो बनाना मुझे जान पे आता है, इसी वजह से मैं एक साथ ही बनाऊँगी। अभी जो उनके लिए बनाऊँगी तो वही मैं खाऊँगी। तो चलिए, अभी जल्दी से बनाते हैं पापड़ा। और बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट की थी पापड़ा की रेसिपी शेयर करने के लिए। मैंने एक दो बार पहले भी शेयर की है आप लोगों के साथ, फिर भी रिक्वेस्ट आ ही रही है पापड़ा की रेसिपी शेयर करने के लिए। तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो आज भी पापड़ा की रेसिपी आपके साथ शेयर कर दूँ। बहुत ज़्यादा सिंपल है, किसी को भी बनाना आ जाएगा। इस पापड़ा बनाना बहुत ज़्यादा सिंपल एंड ईजी है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब बेसिक से मसाले डालने होते हैं, सारा कुछ एकदम सिंपल सा बनाना पड़ता है उसे। फिर भी आप लोगों ने इतनी बार रिक्वेस्ट की है पापड़ा रेसिपी शेयर करने के लिए, और जो ब्लॉग में मैं शेयर करती हूँ उस ब्लॉग को आप देखते नहीं हो, तो बार बार पापड़ा की रेसिपी की रिक्वेस्ट आ रही है। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो आज पापड़ा की रेसिपी शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया है थोड़ा सा पापड़ा, और पहले ना ऑयल डाल दिया है कढ़ाई में। ऑयल डालने के बाद मैंने मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है यहाँ पे। तो मस्टर्ड ऑयल डालने के बाद उसे थोड़ा सा गर्म होने देना पड़ता है ताकि उसकी स्मेल जो है वो चली जाए। उसके बाद ना उसमें मैंने मूंगफली ऐड की है। मूंगफली ऐड करने के बाद उसमें जीरा राई ऐड किया है। जीरा राई चटकने के बाद मैंने उसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है और प्याज ऐड किया है। पहले प्याज ऐड किया है, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, और उसे अच्छे से भून लेना है, मतलब प्याज को और अदरक लहसुन के पेस्ट को, मतलब ताकि उसकी जो स्मेल है, कच्ची स्मेल, वो चली जाए। उसके बाद बेसिक से मसाले ऐड करने हैं, और मसाले ऐड करने के बाद उसे अच्छे से भून लेना है और उसे अच्छे से चला लेना है, और फिर ना उसमें पापड़ा ऐड कर देना है। तो इसे पापड़ा को थोड़ा सा और, मतलब कूट के थोड़ा सा बारीक कर सकते हैं हम लोग, बट इसे मैंने बारीक नहीं किया था और फिर ऐसे ही डाल दिया था, मतलब इतना ज़्यादा बारीक नहीं किया था। उसके बाद थोड़ा सा नमक डाल दिया है और अच्छे से इसे मिक्स करना है ताकि इसमें सारा मसाला लग जाए। आप देख सकते हो यहाँ पर अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है और सारा मसाला लग गया था। और अच्छे से भून लेना है थोड़ी देर आपको इसे। थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें गर्म पानी ऐड कर देना है। गर्म पानी ऐड कर देने के बाद थोड़ी देर ऐसे ही चलाते जाना है ताकि ये चिपके ना नीचे। कढ़ाई थोड़ी सी ये पतली है, इसी वजह से, अगर आपकी मोटी हो कढ़ाई तो इतने ज़्यादा, मतलब घुमाने की ज़रूरत नहीं है। ये कढ़ाई थोड़ी सी पतली है तो इसीलिए मुझे ज़्यादा देर घुमाना पड़ता है इसे, मतलब ऐसे चलाते रहना पड़ता है, नहीं तो फिर ये चिपकने लगता है इस कढ़ाई में। फिर भी ये कढ़ाई ना थोड़ी सी बड़ी है, इसी वजह से मुझे इसमें बनाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये इस तरह से मैं थोड़ा सा वो ग्रीन ऑनियन जो बोलते हैं, मतलब स्प्रिंग ऑनियन, वो डाल दे रही हूँ क्योंकि ये घर के हैं इसीलिए, नहीं तो बाहर तो अभी मिल ही नहीं रहे हैं, तो इसीलिए अभी मैंने ये डाल दिए हैं और अच्छे से चला लिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो पापड़ा कितना खिला खिला सा बना है, वो इसीलिए कि मैंने एक तो गर्म पानी उसमें ऐड किया है, और दूसरा उसको चलाती गई हूँ, और फिर तीसरा ये है कि थोड़ा सा कम पानी, मतलब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है, एकदम से पानी ऐड नहीं करना है। और ये हो गया हमारा नाश्ता रेडी। मैंने प्लेट्स निकाल लिया है, अभी हम लोग नाश्ता करेंगे और आप भी आ जाइए नाश्ता करने। कैसी लगी आपको रेसिपी? सिंपल थी ना? बहुत ज़्यादा सिंपल है। बहुत सारे लोग इसे पापड़ा कूट भी बोलते हैं, पापड़ कूट भी बोलते हैं, और आप जो चाहो वो बोल सकते हो। तो चलिए, अभी ब्रेकफास्ट बन गया है, यहाँ पर मैंने प्लेट निकाल दी है और अब हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेंगे। और एक्चुअली हमें कहीं जाना है तो उसके लिए रेडी होना है, मुझे एक रिलेटिव के घर जाना है, उन्हें भी छुट्टी ली है, तो इसीलिए आज ये घर पे है। तो हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम रेडी हो जाएंगे, उसके बाद जाना है हमें रिलेटिव के घर पे। चलिए ब्रेकफास्ट करके मिलती हूँ आपसे। तो सब लोग यहाँ पर रेडी हो गए थे, सिर्फ मैं ही रेडी नहीं हुई थी। तो मैं यहाँ पर ब्रेकफास्ट बना रही थी, इसी वजह से मैं रेडी नहीं हो पाई थी। तो सभी लोग रेडी होके बैठे थे, तो यहाँ पर हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेंगे, उसके बाद मैं रेडी हो जाऊँगी और उसके बाद फिर हम लोग बाहर जाएंगे। तो गाइस, चलिए अभी निकलने वाला है हम लोग, और बस जाके आती हूँ जल्दी से, क्योंकि ज़्यादा देर का काम नहीं है, थोड़ा ही कुछ काम है बट इम्पोर्टेंट था, इसी वजह से जाना पड़ रहा है। तो चलिए निकलते हैं। कहाँ है चाबी माही? ओह, मैं यहाँ पर ही ढूंढ रही हूँ, आप लो ना, करो ना।
माही बाहर आके मेरा वेट कर रही थी कब से, और मैं ना विंडो वगैरह ये सारी चीज़ें चेक कर रही थी कि कौन सी विंडो ओपन है, क्या है, कौन सा डोर ओपन है। तो पीछे का डोर भी ओपन था, विंडो भी ओपन थी, तो इसीलिए वो सारी चीज़ें क्लोज करके आई हूँ। चलो निकालो, पप्पा ने गाड़ी निकाली। चलो बोलो, चलिए अभी निकलते हैं। हाँ लगा लो। चलो, अरे मेरा मास्क नहीं लिया मैंने, आप जो मेरा भी लेके आ जाना, आप ब्लैक कलर का। आपने भी नहीं लिया क्या? ये चाबी लो, देखो। फालतू में डोर बंद करने के लिए बोला माही को, मास्क निकाल के रखा मैंने और भूल गई सडनली ये सारी चीजों के चक्कर में। ओहो, और गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है। ये देखो, यहाँ पर मास्क लटका के रखे हैं सारे के सारे। मेरा मास्क है, वो मेरा मास्क तो उधर है ना, वॉश करके रखा था। ये लो आपका मास्क, अजविक का भी ले लो। और रुको मैं अपना लेती हूँ, मेरा तो यहाँ पर है टंगा हुआ और कब से यहाँ पर ही है। ओह, चलिए अब जल्दी से निकलते हैं। लगा लेती हूँ मास्क, और मास्क से ना इतनी ज्यादा गर्मी होती है यार। एक मिनट, मैं डोर लगा लूंगी क्या बेटा? अधिक का ले लिया ना? ठीक है, पापा का दिखा इसी वजह से याद आया, नहीं तो याद भी नहीं आता। पापा का अभी हम लोग जा नहीं रहे ना आजकल बाहर, तो इसी वजह से निकल गया एकदम से ध्यान से। मैं यहाँ पे बैठी ना, अद्वे आप पीछे जाओगे क्या बेटा? अद्वे चलो मम्मा, गाड़ी मामा नहीं, प्रणव मामा। क्या देख रहे हो? अद्विक मास्क नहीं लगाया आपने? अद्विक ने मास्क नहीं लगाया, मेरा मास्क गायब हो गया। गायब अभी दिया ना मैंने अद्विक दीदी के पास। रुको, सीट बेल्ट का। और हाँ, अद्विक वो चला रहा था, इसी वजह से मैंने इसका साउंड बंद कर दिया। और क्योंकि अद्विक ना वो छोटे दादा की कॉमेडी देखते रहता है, इसी वजह से थोड़ा सा उसको उसके आवाज़ आती है, उसमें थोड़े से सॉन्ग वगैरह होते, तो हो सकता है कॉपीराइट आ जाए, इसीलिए मैंने ना ये म्यूट कर दिया यहाँ पे, इसीलिए बैकग्राउंड वॉइस दे रही हूँ। और हाँ, अभी सीट बेल्ट लगाना नहीं भूलती हूँ। पिछले एक दो व्लॉग में आपने सीट बेल्ट का याद दिलाया था, इसी वजह से अभी सीट बेल्ट लगाना नहीं भूलती हूँ, आप ही देख लीजिए। और ये तो लगाते थे, मैं ही हमेशा भूल जाती थी, पता नहीं क्यों हमेशा ही भूल जाती थी कि सीट बेल्ट लगाना है। तो जब डीमार्ट गए थे उस टाइम आए थे इस रोड पर, और अभी दोबारा कितने दिनों के बाद, जब 15-20 दिन हो गए होंगे, ज़्यादा एक महीना हो गया है इसके बाद निकली हूँ मैं यहाँ पर आई हूँ इस रोड पे। तो और हाँ, कोई एक मिनट माही, अद्विक का वो अद्विक जो देख रहा है उसका साउंड कम कर। तो कितने दिनों के बाद अभी बाहर निकली हूँ, और हाँ कोई बोल रहा था मुझे कि आप ट्रैवल व्लॉग नहीं दिखाते हो, तो हम लोग बाहर ही नहीं जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। और बाहर जाने का रीजन यही है कि इनकी ड्यूटी की वजह से हम लोग बाहर नहीं जाते हैं, मतलब इनको ड्यूटी से टाइम ही नहीं मिलता है, तो इसीलिए नहीं जाते। और मुझे अकेला जाने का मन नहीं करता है, मतलब हम दो, मतलब मैं भी जा सकती हूँ बच्चों के साथ, बट मुझे इनके साथ जाना अच्छा लगता है, अकेले जाना अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए हम लोग भी नहीं जाते हैं। फिर इसी वजह से ट्रैवलिंग व्लॉग आपको देखने के लिए नहीं मिलते हैं। तो इसके बाद जाएंगे, अभी कोरोना ख़त्म हो जाने दो, हम लोग जाएंगे तब आपके साथ ट्रैवलिंग व्लॉग भी शेयर करेंगे। बट अभी तो कोई ट्रैवलिंग व्लॉग वगैरह कुछ भी नहीं आएगा, अभी तो घर से ही, मतलब घर पर रह के ही इतने परेशान हो गए हैं। बट कोई बात नहीं, घर पर तो रहना ही पड़ेगा सेफ्टी के लिए। और चलिए अभी पहुँच रहा है वहाँ पर, तो वहाँ पर जाने के बाद मिलती हूँ आपसे, मतलब घर पे जाने के बाद। वहाँ पर तो कुछ शूट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि कुछ काम है, इसी वजह से जा रहे हैं हम लोग वहाँ पे।
तो गाइज आज है नेक्स्ट डे और कल हम लोग आए तो बहुत ज़्यादा लेट हो गए वहाँ पे। हमने सोचा था कि वहाँ पर जाएंगे और 1 घंटे 2 घंटे का काम होगा और जल्दी से वापस चले आएंगे, बट काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया वहाँ पे। तो उसके बाद फिर मेरा ब्लॉगिंग करने का बिल्कुल मन नहीं किया, ऐसे ही आए और फिर थोड़ी देर रेस्ट किए, उसके बाद खाना वगैरह खाया और जल्दी से हम लोग सो गए उसके बाद। तो बिल्कुल ब्लॉगिंग नहीं की, कुछ भी नहीं, और रेस्ट ही ली कल भी। तो आज हमने ब्रेकफास्ट किया है अभी अभी और माही का ब्रेकफास्ट चल ही रहा है यहाँ पे। हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है, अद्विक का भी हो गया है ना अद्विक, और मैदी का। मैदी बोली थी इस पोहे में पत्थर है इस खुद ही निकल गया। हाँ, खुद ही निकल गया। हाँ तो बस अभी खाना बनाने वाली हूँ और आज बनने वाली है खाने में मिक्स वेज। तो अभी मेरा मन नहीं कर रहा है नहाने का, उसके बाद नहाऊंगी, पहले मिक्स वेज बना लेती हूँ, फिर और स्वेटिंग हो जाती है। आज मौसम भी ऐसा नहीं है कि एकदम से गर्मी हो रही है, मतलब मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है आज का, ठंडा ठंडा सा मौसम है। फिर भी आज मैं क्या करती हूँ, पहले सब्जी बना लेती हूँ उसके बाद नहाती हूँ। बच्चों का नहाना हो गया है सब, मतलब आज तो सारे लोग फ्रेश हो गए हैं जल्दी से, बट मैं ही अकेली रह गई हूँ क्योंकि आज बिल्कुल आलस आलस लग रहा है ऐसे एकदम से। तो मैं आज बनाने वाली हूँ मिक्स वेज और वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल मिक्स वेज। तो चलिए किचन में चलते हैं और मिक्स वेज बनाते हैं और आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। तो गाइस सबसे पहले तो मैंने मिक्स वेज की तैयारी ही की, क्योंकि सबसे पहले तो मिक्स वेज के लिए सब्जियाँ काटनी ही पड़ती है, कितनी देर तो उसी में चला गया मेरा टाइम, उसी में चला गया। उसके बाद यहाँ पर प्याज भी काट के रखा था तो उसको मुझे पेस्ट बनाना है, और प्याज का पेस्ट लगेगा, टोमेटो का पेस्ट लगेगा हमें, तो इसीलिए पहले प्याज का पेस्ट बना लिया है और उसके बाद उसी बर्तन में टोमेटो का पेस्ट बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने तेल चढ़ा दिया है गैस पे, मतलब कढ़ाई पे, और उसके बाद तेल गर्म हो जाने के बाद मैंने उसमें ऐड किया है ये लहसुन पेस्ट, और लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ा सा भून लेना है आपको अच्छे से उसमें तेल में, और उसके बाद आपको प्याज का जो पेस्ट है वो ऐड करना है। तो यहाँ पर मैंने प्याज का पेस्ट ऐड कर दिया है और उसी में मैं टोमेटो का पेस्ट बनाऊंगी, तो टोमेटो उसी में काट के डाल दूंगी और पेस्ट बना लूंगी। तो यहाँ पर प्याज का पेस्ट ऐड कर दिया है और इसे अच्छे से चला लेना है, जब तक ये तेल नहीं छोड़ता आपका प्याज का पेस्ट तब तक आपको इसे अच्छे से चला लेना है। उसके बाद आपको टोमेटो का पेस्ट उसमें ऐड करना है और ये जो रेसिपी होने वाली है वो बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी होने वाली है, मतलब रेस्टोरेंट में जैसे हम लोग मिक्स वेज खाते हैं वैसे ही ये बनेगी। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, बहुत यम्मी बनती है, एक बार ज़रूर ट्राई करना। एकदम सिंपल सी रेसिपी है और बहुत जल्दी बन जाती है, सिर्फ वेजिटेबल काटने में थोड़ा सा टाइम लगता है, नहीं तो ये बाकी का जो है वो जल्दी ही बन जाता है। यहाँ पर एक साइड में मेरा प्याज का पेस्ट भून रहा था तो मैं दूसरी साइड में क्या करूँगी, तवा रखूँगी और जो मसाले हैं वो भून लूँगी। तो अगर आप खड़े मसाले जो है वो ताज़े भूनते हो ना तो बहुत ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है सब्ज़ी का, तो इसीलिए मैं यहाँ पर तवे पर ये मसाले भून रही हूँ। ये धनिया डाल दिया है और थोड़ा सा जीरा डाल दिया है मैंने, और एक दालचीनी का टुकड़ा ऐड करूँगी और एक हरी इलायची ऐड करूँगी, और इसमें बड़ी इलायची भी ऐड करनी है, बट मेरे पास बड़ी इलायची नहीं थी इसी वजह से मैंने बड़ी इलायची ऐड नहीं की। तो बस इन सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेना है, जलने नहीं देना है आपको, मतलब थोड़ी सी मीडियम फ्लेम पे आपको इसे अच्छे से भून लेना है। ध्यान रखें कि ये मसाले जले ना, बस इसे चलाते जाना है और उसके बाद इसे पीस लेना है आपको। और वहाँ पर मैंने टोमेटो का पेस्ट भी उसमें प्याज के पेस्ट में ऐड कर दिया था। उसके बाद जब तक हमारा मसाला तेल ना छोड़े तब तक आपको इसे भूनना है, और यहाँ पर मेरा मसाला तेल छोड़ चुका था तो मैंने जो खड़े मसाले भुने थे तो वो मैंने पीस के उसमें ऐड कर दिए हैं, और अच्छे से आपको भून लेना है। इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी टेस्ट आती है और बहुत ही टेस्ट बढ़ जाती है इसकी, इसकी वजह से जो हमने मसाले भुने हैं ताज़े मसाले उसकी वजह से बहुत टेस्ट बढ़ जाती है। तो ये स्किप मत करना, ये ज़रूर स्टेप फॉलो करना। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई चढ़ा दी है गैस पे और उसमें थोड़ा सा तेल ऐड किया है, और उधर मसाले भी चलाती जा रही हूँ ताकि मेरे मसाले जले ना, इसी वजह से वो जो मसाला है ग्रेवी के लिए बना रही हूँ मैं वो मसाला भी चलाती जा रही हूँ। और उसके बाद आपको यहाँ पर तेल में ना ये वेजिटेबल जो काट रखे थे यहाँ पर वॉश करके मैंने ये छन्नी में डाल के रखे थे निकल गया था, उसके बाद मैंने यहाँ पर वो डाल दिए है। इसे आपको शालो फ्राई करना है
और यहाँ पर मैंने कढ़ाई चेंज कर दी है क्योंकि उधर का जो फ्लेम है वो बहुत ज़्यादा है और यहाँ का कम है थोड़ा सा, इसी वजह से मैंने इधर साइड में रख दी है ये। और यहाँ पर मैंने बेसिक से मसाले ऐड किए हैं, जैसे कि लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर और गरम मसाला, क्योंकि हमने धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, वो जीरा और धनिया का पाउडर जो हमने साथ में बनाया था वो मैंने पहले ही ऐड कर दिया था, इसी वजह से मैंने अभी सिर्फ लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और गरम मसाला ऐड किया है। और ये मसाला अच्छे से भून लेना है आपको। और उधर मैं जो वेजिटेबल है उसे भी अच्छे से फ्राई कर रही हूँ, मतलब शालो फ्राई कर रही हूँ। वहाँ पर मैंने थोड़ा सा ढक्कन रख दिया था, उसके बाद इसे अच्छे से चला लेना है ताकि ये मतलब जले ना नीचे से, और देखते रहना है, चेक करते रहना है ये पक्का या नहीं। एक एक करके भी आप डाल सकते हो और दूसरा मतलब एक साथ भी आप डाल सकते हो, मतलब शालो फ्राई कर सकते हो। तो मैंने एक साथ ही डाला था क्योंकि टाइम नहीं था इतना, और बच्चों को भी भूख लगी थी और इनको भी भूख लगी थी, इसी वजह से मैंने थोड़ा सा जल्दी जल्दी किया। और यहाँ पर मैंने जो वेजिटेबल शालो फ्राई किए थे वो मैंने वहाँ पर उसमें डाल दिया है मसाले में। और आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उतना आप पानी ऐड कर सकते हो, और उसके बाद आपको नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है उसमें, और ग्रेवी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। मतलब आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप और पानी ऐड कर सकते हो। मुझे इतनी कंसिस्टेंसी अच्छी लगती है, मतलब ऐसी ही मुझे अच्छी लगती है, तो इसीलिए मैंने ज़्यादा ग्रेवी नहीं बनाई, बस थोड़ा सा पानी ऐड किया और उसमें थोड़ी देर पका लेना है आपको, और बस बन जाएगी आपकी मिक्स वेज, और वो भी रेस्टोरेंट जैसी। कैसे लगी आपको मिक्स वेज की रेसिपी, एक बार ज़रूर बना के देखना, और बनाने के बाद मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके कि कैसी बनी है। और हाँ, आप चाहो तो इस पर फ्रेश क्रीम पे ऐड कर सकते हो, मतलब ऊपर से। और अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप मतलब दूध के ऊपर की जो मलाई होती है वो भी ऐड कर सकते हो, बट मेरे पास दोनों भी नहीं थे इसी वजह से मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया। बट आप अगर ऐड करोगे ना तो उससे भी ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाए इसका। तो इस तरह से बस अभी हम लोग खाना खा लेंगे, और यहाँ पर प्लेट रेडी कर रही हूँ। दाल है, सिंपल सी दाल है, प्लेन सी, और उसके बाद ये मिक्स वेज है, और पापड़, शेजवान चटनी और रोटी। आज मैंने चावल जो है वो बाद में बनाए थे बच्चों के लिए सिर्फ, क्योंकि बच्चों को दोपहर में भी भूख लग जाती है, मतलब उसके बाद भी खाना खाने के बाद बीच में भूख लग जाती है, इसी वजह से चावल बना दिए थे। तो अभी सिर्फ यही लंच है हमारा, सिंपल सा लंच है, बस लंच कर लेंगे। आप भी आ जाइए लंच करने। सो गाइज, अभी बज रहे हैं शाम के 6, और थोड़ी देर पहले हम लोगों ने चाय पी है। चाय पीने के बाद मैंने सोचा चलो फ्रेश हो लेती हूँ और आपसे बात करती हूँ, तो अभी फ्रेश हो गई हूँ। और व्लॉग को एंड करने का टाइम आ गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा व्लॉग। अभी भी अद्विक सो ही रहा है, आप देख सकते हो, यहाँ पर ही अद्विक सो गया था सोफे पर ही सो गया था वो, तो अभी मैंने उठाया नहीं उसे, हाँ सो ही रहा है वो। और हाँ, उषा उदेद्रा की बेटी का बर्थडे है युवराज का, तो हैप्पी बर्थडे डियर युवराज, और आपको आपके लाइफ में सारी खुशियाँ मिले और आप जो चाहो वो मिल जाए, और आपके आगे की लाइफ बहुत ही अच्छे से जाए। तो यही गॉड से प्रे करूँगी आपके बर्थडे के दिन। और इसके साथ ही इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी मत करना। तो और आपको अगर लगे तो शेयर भी कर देना, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। इसके साथ मेरे दो और चैनल है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में आपसे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।